वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जो है अभी मैं गोरखपुर में आया हुआ था, कल रात में गोरखपुर में आया। असल में आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा व्लॉग इतना दिन से क्यों नहीं आ रहा, तो उसका रीज़न था कि मैं व्लॉग बना ही नहीं रहा था। बट अभी से मैंने दोबारा बनाना शुरू किया है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं गोरखपुर में आपके पापा से मिलने के लिए कल रात में आया था, आज मुझे जो है अहमदाबाद निकलना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ लखनऊ गोरखपुर से। अब बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है मेरा, क्योंकि मेरी फ्लाइट जो है आज लगता है छूट जाएगी। तो क्या बताऊँ, इतना मतलब किस्मत ही ख़राब हो गया है मेरा। आज सुबह में ट्रेन थी मेरी 6 बजे की, पर मैं वो ट्रेन पकड़ नहीं पाया। तो अभी 11 बज रहा है और मैं फ़ौरन जा रहा हूँ फ़्लाइट पकड़ने के लिए। और रात मेरी लखनऊ से फ़्लाइट है अभी, तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है अभी मेरा। हमारी बस जो है एक जगह रुकी हुई है, तो वहाँ पर अभी आप लोग उतरे हुए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, बहुत तेज वॉशरूम लगा था। वॉशरूम करने के बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर वापस बस में ट्रिप पे निकल के सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं समोसा खा लूँ। अभी समोसा सामने गर्म का समोसा रहेगा, तो एक समोसा वही ले लूँगा। समोसा ही भैया, समोसा कितने का है ये? 15 का। और ये वाला 20 का। क्या कहूँ, उनको समझ नहीं आ रहा है। भूख तो मुझे लगा हुआ है, और उससे पहले मैं जाके मिक्सर ही ले लेता हूँ कोई, बाद में समोसा वोसा खाऊँगा। और क्या, अभी मिक्सर का पैकेट सारे उठा लेता हूँ मैं, वेफर सारे। ये लो वेफर भैया, ये 2 दे दीजिए ना। गाइस ये ले लेता हूँ 2। गाइस 3-4 पैकेट ये, मैं ये ले लेता हूँ 2 पैकेट, इसको भी ले ही लेता हूँ, काम करता हूँ। ये भी ले लूँगा मैं, मैंने इतना सारा चीज़ ले लिया है सबसे खाने पीने के लिए, तो लेके चलते हैं अब। हाँ भैया ले जाओ यार, अब तुम्हें भरोसा नहीं। इतना कुछ ज़्यादा ले लिया हूँ कि सब अब गिर रहा है ऊपर से नीचे। अभी जो बस से उतर गया हूँ मैं, और अभी वेट कर रहा हूँ दूसरी बस का, जिसमें मुझे एयरपोर्ट तक ले जाएगी। और अभी वेट करता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा महंगा किराया बता रही थी, मैं कर नहीं पा रहा हूँ अभी। अभी रुकता हूँ इधर 5-10 मिनट और बस आएगी, उससे भी आऊँगा। मैं मोसी एयरपोर्ट के आसपास आ चुका हूँ, बट यहाँ से ऑटो वाले बेस से 100 रुपये का डिमांड कर रहे हैं कि 100 रुपये में वो एयरपोर्ट छोड़ेंगे। और जबकि एयरपोर्ट जस्ट पीछे ही है, बस पता करता है कि जाने का रास्ता किधर है, फिर वहाँ से हम लोग निकलते हैं पैदल ही। देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर तक तो मैं पैदल चल ही सकता हूँ पैसे बचाने के लिए। मैंने रेपिडो बुक कर दिया है और अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। और यहाँ सामने ही मेरा एयरपोर्ट है, अभी अंदर चलते हैं और फिर थोड़ा सा सुसु करते हैं। बहुत तेज़ रुकी है, मतलब 2 घंटे से रुका हुआ हूँ मैं, अभी जाके फटाफट करता हूँ। तो गलत गेट में घुस गया था अभी, तो पूछ रहे कि आपको आना है या जाना है, मतलब जाना है। तो बोल रहे कि गलत रोड है, ये गलत गेट है, मतलब ये आने वाला गेट है। अभी चलते हैं अपने डिपार्चर वाले पे। एंट्री तो हो गई है, मुझे अपने फ्लाइट का चेक इन करवानी है। तो आशा का देख रहा हूँ, इधर सारे एयर इंडिया के हैं, इधर है इंडिगो का, और ये रहा हमारा आकाशा अहमदाबाद लिख के आ रहा है 9 बजे। हाँ यही है, चलिए इसमें चलते हैं फटक से। और एयर एशिया भी, पर हमें आकाशा में जाना है अभी। अपना बोर्डिंग पास मिल चुका है आकाशा का, मीन्स कि एयर इंडिया का डिफरेंट था पास, बट इसका पास थोड़ा डिफरेंट है। इसमें पेपर जो है थोड़ा कम, इन्होंने मतलब थोड़ा सस्ता पेपर यूज़ किया है एयर इंडिया से। मुझे लगी बहुत तेज भूख, बट भूख लगी हुई है, बट यहाँ पे इतना महंगा है कि मेरा दिमाग ख़राब है। बट कुछ खाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बिना खाए तो काम नहीं चलेगा। तो अभी अंदर चलते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाते हैं, और उसके बाद फिर जाते हैं अपने गेट के। और क्या, अभी जो है यहाँ पे CRPF के इंस्पेक्टर और एक पैसेंजर में बहुत ख़तरनाक वाला बहस हो गया। और दोनों का बहस किस चीज़ का था वो मुझे नहीं पता, बट जो पैसेंजर जो था काफ़ी एग्रेसिव था, और उससे CRPF वाले वो एकदम शांति करा दी, एकदम चुप ही करा दी, जो CRPF वाले कुछ कर ही नहीं पा रहे थे उसको। मतलब कि क्या ही, मैं आ चुका हूँ, अब थोड़ा कुछ खाते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या मतलब पिज़्ज़ा हट में या यहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई
ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या। अच्छा बहुत महंगा है यहाँ पर, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ज़रा महंगा ही देख के। पहले थोड़ा सा लखनऊ एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर देखूँगा। वैसे अच्छा जगह तो है काफ़ी यहाँ पर, या अपोलो फार्मेसी। मुझे पता है यहाँ पर दवाई भी बहुत महंगी आएगी मुझे ऐसा लगता है, बट क्या पता। खाना तो मैं बर्गर जो मैंने देखा, जो नॉर्मल मैं बर्गर खाता हूँ 51 में, या फिर जो पिज़्ज़ा हट था, जो नॉर्मल पिज़्ज़ा में खाते हैं उससे 2 गुना दाम है यहाँ पर। लॉन्च का एरिया है, अगर आप 750 रुपये देते हो तो आपको अनलिमिटेड खाना, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, आपको सब चीज़ अनलिमिटेड मिलेगा। आपको किसी का कोई पैसा नहीं देना है। बट मुझे तो अभी 2 घंटे में आना, मैं लॉन्च की कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं तो पिज़्ज़ा नहीं खा पा रहा हूँ यहाँ पे। मैंने चार्जिंग पॉइंट तो दिया हुआ है इधर में, पर यहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है, बहुत डिस्टेंस चाहिए। तो क्या सोच के जो इस टाइप से देते हैं चार्जिंग पॉइंट, तो फ़ोन चार्ज करते फिर बात। मैं यहाँ पर चार्जर लगाया हुआ हूँ और इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ हूँ चार्ज करने के लिए। अभी भी करीब 15 से 20 मिनट मेरी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो पता नहीं, मैं फ्लाइट में जब भी आता इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, बट अभी कुछ खाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है। इसलिए अभी पहले पिज़्ज़ा हट में देखता हूँ, या फिर यहाँ पे है गरम गरम चाय, उसमें आके देखता हूँ क्या खाना होता है। अहमदाबाद जाके खाऊंगा, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि यहीं पर खा लूँ या अहमदाबाद में जाके खाऊंगा, क्योंकि अहमदाबाद जाऊँगा तभी भूख लगेगी और अभी खाऊँगा फिर दोबारा भूख लगेगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 5 मिनट डिसाइड करता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ। ट्रैवल करने के बाद जो है मेरे बालों का स्थिति कुछ ये ऐसा हो चुका है, मुझे अभी पता चला, मुझे पहले पता नहीं था, बट अब क्या ही कर सकते हैं। इधर मैं थोड़ा सा इस टाइप का अनटाइडी टाइप का दिख रहा हूँ, क्योंकि सारा धूल मिट्टी और मेरे पैंट की कलर भी उतर चुकी है अब तो। अब मुझे पैंट चेंज करना पड़ेगा। वैसे मैं ये पैंट 2 महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले मैंने लिया था, बट इतना जल्दी कलर फेड हो गया है इसका, कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं बोर्डिंग करने के लिए। टाइम एयरलाइंस में मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसका एक्सपीरियंस मैं देखता हूँ कि कैसा है। एयर इंडिया का तो काफ़ी अच्छा रहा था और बाकी के फ्लाइट भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, और इसका ये पहली बार मैं किसी लो बजट एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिगो के अलावा। तो ये ज़्यादा टाइम लॉन्च हुआ भी नहीं होगा, मतलब लॉन्च हुए वो ज़्यादा टाइम आपको पता होगा, बट इसका देखते हैं अभी क्या मतलब फैसिलिटी। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है, पता नहीं शायद से सारे आज ही गए हैं क्या, सारे आज की ही हैं शायद, डेट का है 30 मार्च के हैं सारे। देखिए आकाशा में लाइन दिखी कितनी सारी, कितनी ज़्यादा लंबी है, अहमदाबाद कितने लोग जा रहे हैं। मन तो था लेने का मेरे को, ये वाला बहुत अच्छा लगा था लेने के लिए, बट मैं इतना लेकर करूँगा क्या, खा तो पाऊँगा नहीं और सारा फिर वेस्ट चला जाएगा, पैसा का भी वेस्ट और फूड का भी वेस्ट हो जाएगा पूरा। इसलिए रहने फटाफट बस में चलते हैं, कूद के चमक रही है पूरी। अब पहली बार मैं ट्रैवल करने वाला हूँ तो देखता हूँ कि एक्सपीरियंस क्या रहता है। इधर एयर एशिया की फ्लाइट है और इधर आकाशा की फ्लाइट है, और कभी लगता है ये वाला जो आकाशा के नीचे जो लाइट है, आकाशा के नीचे जो लाइट है वो काफ़ी यूनिक लग रहा है, क्योंकि वैसा कुछ नहीं है। अब भाई ये फ्लाइट जो है ना, ये एयर इंडिया, ये तो राजा है, इसका तो कोई तुलना ही नहीं है किसी फ्लाइट से। लास्ट टाइम मैं आया तब काफ़ी अच्छा था, और ये इस बार का काफ़ी अच्छा है। और अभी चले चलते हैं फ्लाइट के अंदर, अंदर से इतने की क्या है, अभी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा आ रही है और अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी बोर्डिंग पास थोड़ा दिखाते हैं, फ्लाइट बोर्डिंग पास हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैडम ने चेक कर लिया, और अब चलते हैं अपने फ्लाइट में, फ्लाइट में जाके और फिर देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अभी एयर होस्टल के बैठ मेरा सीट थोड़ा आगे, मेरा सीट नंबर क्या है 25B 26, ये रहा मेरा सीट नंबर 25B। यहाँ पर मेरा सीट के बीच सीट भी काफ़ी अच्छी है, इसकी काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब। इंडिगो से तो काफ़ी बेटर है, एयर इंडिया से थोड़ा सा, क्योंकि एयर इंडिया बहुत हाई क्लास की फ्लाइट है, उसके नंबर अगर ठीक नहीं होगा तब भी उसको टक्कर दे रही है, 10% का टक्कर दे रही है, इंडिगो से बेटर है। इसकी सीट्स भी जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मीन्स की कंफर्टेबल फीचर्स में दिखा दे रहा हूँ आपको, नॉर्मल जैसे फ्लाइट्स में होते हैं वो सारे हैं। टेबल है ये, और ये शायद से कुछ मेन्यू कार्ड दिया है, मतलब आकाशा में क्या क्या खाना, इसको भी खोल के पूरा देखेंगे अभी। यहाँ पे बॉटल रखने के लिए सीट्स हैं, और इधर मैं बैठ गया हूँ, सीट्स मैंने लगा लिया है, अब मैं रेडी हूँ अहमदाबाद से। पहले हम लोग जो है इसको खोल लेते हैं, इस मेन्यू को देखो, मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कैफे आकाशा, और इसके अंदर में जो है खाने का दाम है, गाइस देख लीजिए आप लोग, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप देख लीजिए कितने महंगे हैं। मतलब ये सैलड्स है 600 रुपये, 650, 500, मीन्स की काफ़ी एक्सपेंसिव है। आपको अभी समझ में आया कि एयरपोर्ट में क्यों नहीं खाना था, किस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट अभी तो मुझे भूख तो लगा हुआ है, कुछ खाएंगे। बाकी का अंदर में ये मेन्यू है, देखिए पोहा हो गया, उपमा हो गया, ये सब। सबसे जो कम चीज़ दिख रहा है मुझे स्पार्कलिंग वाटर, ये क्या होता है ये मुझे नहीं पता है, ये 110 रुपये का है। ऑरेंज जूस ये 100 रुपीज़ का है। बाकी तो भाई कढ़ाई रोल, मलाई कोफ्ता, कढ़ाई रोल, मलाई चिकन, ये सब मतलब आउट ऑफ द बजट। ये देखिए वैसे ही आप किसी को, मतलब किसी का बर्थडे अगर है तो ये वाला फ़्लाइट में केक काट लीजिए, 500 ग्राम का है, प्री बुकिंग में ही मिलेगा आपको ये। असल में पीछे में जितने भी सारे ऑर्डर है ये सारे प्री बुकिंग के हैं, मीन्स कि ये फ्लाइट में पहले से अवेलेबल नहीं रहेंगे जब तक आप इनको प्री बुकिंग मतलब होता है जब आप टिकट कटवाते हो तो उसी समय बुक करते हो खाना, उनको प्री बुकिंग कहते हो, तो वो उनके लिए है ये वाले केक है। ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इतना छोटा सा केक, ये सब इसको भी खोल के हम लोग देख ही लेते हैं क्या है ये सब चीज़। तो इसको ये बोइंग 3738 मैक्स फ्लाइट है, उसके बारे में दिया गया है कि सेफ्टी रेगुलेशंस क्या क्या हैं, ये सारे हैं यहाँ पर। और बाकी का यहाँ पर है ये सारे, बट बेसिकली क्या है इसे कोई फॉलो नहीं करता है, इसे वैसे ठीक तरह से कोई पढ़ता उड़ता नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। और यहाँ पे जो भी अभी मतलब प्लेन ने बताया है उसको कैसे पता, वो सब भी नहीं देखता हूँ मैं, वो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं देखते हैं कि क्या होता है क्या। पर में जो है एसी यूनिट्स दिए गए हैं, ये लाइट है, अब यहाँ पे लाइट हम लोग जला सकते हैं। और ये वाला एसी के हैं, ये वाले स्पीकर्स हैं यहाँ पे, सिगरेट अपने बटन जो है इसको दबाने से क्या होगा कि जो भी प्लेन में जो अटेंडेंट रहते हैं वो लोग आ जाएंगे यहाँ पे और वो लोग आपकी मदद करेंगे जो भी चीज़ चाहिए। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये वाला पहले मैं किसी एयरलाइन से देखूँ, ये टेबल सरकने वाला। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, फ्लाइट में ट्रैवल करने में मिस की अजीब सी खुशी होती है, पता नहीं ऐसा क्यों, बट मैं ट्रेन में भी ट्रैवल करता हूँ, पर जो फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ भाई उसमें मज़ा बिल्कुल नहीं आता, एक अजीब सा खुशी लगता है जैसे अभी मुझे आ रही है। तो इसका रीज़न मुझे नहीं पता है, और क्या पता इसका रीज़न क्या, मैं इसको एक बार ज़रा देखूँगा, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा ऐसा क्यों होता है, बट फ्लाइट स्मूथ जो है आकाशा ने हमें फ्री में दिया है, मेन स्क्रीन का वेलकम ड्रिंक था। और ये गुआवा चिल्ली, पर इन्होंने जब हम लोग लैंड कर गए अहमदाबाद तो इन्होंने दिया हमें। हम लोग अहमदाबाद आ चुके हैं और अपने जा रहा हूँ मैं लगेज लेने, लगेज लेके अपनी टैक्सी बुक कराऊंगा और जाऊंगा अपने पीजी पर। होप करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, आप लोगों को मेरे साथ ट्रैवल करने में भी मज़ा आया हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा बैग भी सामने आ गया है, तो इस बैग को मैं फटाफट अपना लूँ और फिर चलते हैं। एक अपना नाम मैं चेक कर लेता यहाँ पे, है कि नहीं मेरा नाम। अब हम चलते हैं टैक्सी लेने अपनी, और टैक्सी ले, मोस्ट प्रॉब्लम मैं टैक्सी तो नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मोस्ट प्रॉब्लम मैं बाइक से ही जाऊँगा। तो बाइक से जाने में अजीब तो लग रहा है, बट क्या है कभी कभी करना पड़ता है। बाय बाय गाइस, होप करता हूँ कि आप लोग को ये वाला ब्लॉग देखे काफ़ी मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गुड नाइट।